गौतम गंभीर। हाल ही में गंभीर ने अपने पॉलिटिकल करियर को अलविदा कह दिया है और गंभीर साल 2024 के लिए अपनी पुरानी टीम केकेआर में वापसी भी कर चुके हैं। केकेआर को आईपीएल के दो खिताब जिताने वाले कप्तान गौतम गंभीर ने आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी प्लेयर्स को खेल के मैदान के बाहर की एक्टिविटीज पर ध्यान ना देते हुए टीम को ट्रॉफी कैसे जिताएं इस बारे में ध्यान देने की सलाह दी है। गौतम गंभीर को आईपीएल के 2024 सीजन के लिए केकेआर की टीम ने मेंटोर का रोल दिया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने केकेआर को 2012 और 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी जिताई थी और अब एक बार फिर से गौतम गंभीर केकेआर में लौट चुके हैं। आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले गंभीर ने सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि आईपीएल मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। ये बॉलीवुड के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं है, ये पार्टीज और अन्य चीज़ों के बारे में भी नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में है कि आप मैदान पर जाएं और इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में अपना बेस्ट दें। मुझे लगता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे कठिन लीग है क्योंकि यहाँ प्रॉपर क्रिकेट खेला जाता है। आगे उन्होंने कहा कि आईपीएल किसी भी दूसरी लीग की तुलना में इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे करीब है। केकेआर के पास अच्छा लॉयल फैन बेस भी है और जाहिर तौर पर ये सबसे हाई प्रोफाइल टीम भी थी, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आखिरकार ये ग्लैमर के बारे में नहीं है। हम क्रिकेट के मैदान पर क्या करते हैं ये सब कुछ मायने रखता है और केकेआर को मैदान के बाहर की एक्टिविटीज़ के लिए नहीं पहचाना जाना चाहिए। हम क्रिकेट के मैदान पर जो प्रदर्शन करते हैं हमें उसके लिए ही पहचान मिलनी चाहिए। केकेआर के नए मेंटर गौतम गंभीर का मानना है कि खिलाड़ियों को बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि अपनी टीम को ट्रॉफी कैसे जिताएं इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद केकेआर एक से ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी फ्रेंचाइजी है, लेकिन केकेआर ने आखिरी बार ट्रॉफी 2014 में जीती थी। उसके बाद पिछले कई सीजन्स में केकेआर के लिए चीज़ें बेहतर नहीं रही हैं, जहां वह सातवें स्थान पर रहे और प्लेऑफ्स में पहुंचने में भी असफल रहे थे। लेकिन साल 2024 में केकेआर ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं, जहां एक तरफ उन्होंने आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा है तो वहीं अपने मेंटोर के रूप में भी पुराने कप्तान जिन्होंने टीम को दो ट्रॉफी जिताई थी उन्हें वापस लेकर आए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि गंभीर की मेंटोरशिप के साथ और मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी के बलबूते पर केकेआर आईपीएल 2024 में क्या कमाल दिखाती है। ये टीम एक बेहतर टीम के रूप में उभरेगी या फिर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करेगी। आप सभी की इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।